तो देख सकते हैं दोस्तों, ये लोग मतलब ऊपर फंसा दिए और नीचे आ रहे हैं। देखिए देखिए ये लोग कितना डेंजर वर्क करते हैं दोस्तों, और किराम से ये वाह। तो देखिए दोस्तों, और जेसीबी के ड्राइवर साहब यहाँ पर हैं और लगे हुए हैं। ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। देखिए आगे पीछे कर रहे हैं। देखिए इसमें से उस क्लिप को फंसा दिया जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर इस क्लिप को फंसा दिया जाएगा, ये टाइट हो गया। देखिए और उधर भी एक फंस गया। तो देखिए दोस्तों, ये पूरा एक एक स्लेब को खड़ा करके और मतलब कि पूरा पंडाल बनाया जा रहा है। देखिए ये बहुत दूर तक अभी स्लेब ये सब ढाला, मतलब रखा गया है, ये सबको खड़ा किया जाएगा दोस्तों इसी तरह से। किरान जिस तरह से खड़ा कर रहा है, तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कार्यक्रम होगा और बागेश्वर धाम सरकार का। और देखिए कितना दूर में दोस्तों ये पंडाल लगा हुआ है दोस्तों, कितना भव्य है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों नज़दीक जा करके, और बाबा का स्टेज भी दिखाऊंगा दोस्तों, जहाँ पर वो प्रवचन करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबको प्रेम आशा फैमिली ब्लॉग में स्वागत है। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं पटना। पटना के पास में एक नौबतपुर पड़ता है दोस्तों। तो हम क्यों जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहां पर आ रहे हैं बागेश्वर धाम सरकार। आप सब लोग जानते होंगे उनके बारे में, और उनका नाम है दोस्तों धीरेन्द्र शास्त्री। तो हम उन्हीं के मतलब 13 तारीख से वो आने वाले हैं यहाँ पर नौबतपुर में। तो हम वहाँ पर इसलिए पहले जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ का एक एक चीज़ आपको दिखाने वाले हैं। वहाँ का पंडाल यानी हर चीज़ का व्यवस्था जो भी है मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों, दिखाऊंगा। और हम लोग, हमारे साथ मेरे दोस्त आ रहे हैं, और आज दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि हम लोग कार से जा रहे हैं दोस्तों। तो कार लेकर के मेरे दोस्त आ रहे हैं, हम उन्हीं की कार से हम लोग जाएंगे वहाँ पर पटना नौबतपुर। तो आप लोग बन रही है दोस्तों इस वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो फाइनली दोस्तों मेरी बेटी गेट खोल रही है और हम निकल चुके हैं दोस्तों, और यहाँ से हमको लगभग 100 मीटर पैदल चलना पड़ेगा दोस्तों उधर। तो उधर 4 लाइन है, 4 लाइन पे हमको गाड़ी लेकर के दोस्त मेरे आ रहे हैं, वहाँ पर हम लोग साथ में हो जाएंगे। तो देखिए दोस्तों किस टाइप का हम लोग का रोड है, बहुत ही मतलब कि गर्दा उड़ता है दोस्तों। देखिए अभी गाड़ी गई है उधर, देखिए अभी भी गर्दा उड़ रहा है बहुत ज़्यादा, और इधर बहुत सारा मतलब कि ईंटा भट्टा है दोस्तों। देखिए और ये ईंट सरिया करके रखा गया है यहाँ पर। तो फाइनली दोस्तों हम 4 लाइन पे आ चुके हैं, और हमसे पहले देखिए हमारे मित्र आकर के वहाँ पर गाड़ी लगा के खड़े हैं। देखिए और हमको उस तरफ जाना पड़ेगा दोस्तों, गाड़ी देख कर क्रॉस करेंगे। देखिए वो हमारे दोस्त हैं, उसी गाड़ी से हम लोग जाएंगे दोस्तों, तो आपको मिलाते भी हैं। चलिए गाड़ी के पास, देखिए तो देखिए हमारे मित्र लोग इसी में हैं। देखिए सुशील भी है, हाय, वो लोग भी ब्लॉग ही बना रहे हैं दोस्तों। मुन्ना भैया है, ये सुशील भैया है, और भी हमारे मित्र हैं, देखिए उधर हैं, देख रहे हैं ना ब्लॉग, ये भी लगा। खोलिए खोलिए गेट। तो दोस्तों हम लोग गाड़ी में बैठ गए, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए भैया भी है, हम वाले जगह पे तो दोस्तों हम लोग बीटा चौक पार कर रहे हैं दोस्तों। देखिए तो फाइनली दोस्तों यहां पर हम लोग पहुंच गए हैं, और देखिए हम लोग की गाड़ी यहां पर लग गई है, और हम लोग चलते हैं दोस्तों। उधर मंदिर है, उधर मंदिर है दोस्तों, उधर गेट से हम लोग जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं ये बैकग्राउंड में ये मेन गेट है दोस्तों, और यहाँ से एक मंदिर पड़ता है, तो उस मंदिर की तरफ हम लोग चलते हैं। और देखिए मेन गेट है दोस्तों ये।
देखिए यहाँ पर पानी वानी का व्यवस्था किया गया है दोस्तों। देखिए टैंकर उंकर लगा हुआ है, ये सब देखिए पूरा इलेक्ट्रिक यानी कि सब लाइट फाइट का व्यवस्था हो रहा है दोस्तों। देखिए ये सब तो देखिए दोस्तों, यही एक मंदिर है, बहुत ही भव्य मंदिर दिख रहा है दोस्तों। कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। वाओ देखिए ऊपर अभी मतलब कि बन ही रहा है दोस्तों गुंबज के पास। चलिए चलते हैं मेन गेट से दोस्तों अंदर मंदिर में। आओ ना हो वो कुदरिया लेके नहीं आना। देखिए दोस्तों ये पूरा मतलब कि पोस्टर बैनर लगा हुआ है धीरेन्द्र शास्त्री महाराज का, और ये बहुत ही भव्य एक मंदिर है दोस्तों। ये मठ है, बहुत खूबसूरत है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ हंस हैं और बहुत ही मतलब कि शांत ये लोग हैं दोस्तों। देखिए कितने मतलब कि बहुत गर्मी है दोस्तों, तो छाया में ये लोग आराम कर रहे हैं। ये सुशील भी आए, देखिए ये भी ब्लॉगिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये मठ जो देख रहे हैं आप, इस मठ में बहुत ही मतलब कि बहुत पुराना मठ है दोस्तों, और इस मठ का सिर्फ जमीन इस एरिया में 350 बीघा है दोस्तों। तो ये मतलब कि बहुत ही बड़ी बात है, 350 बीघा इस मठ का जमीन है दोस्तों। और इस मठ का मतलब अगल बगल जितना भी जमीन है दोस्तों, पूरा कार्यशाला जितना भी कार्यक्रम होगा दोस्तों, सारा इसी मठ की जमीन पर होगा दोस्तों। तो चलिए उधर दिखाते हैं आपको, जिधर पूरा स्टेज पंडाल शास्त्री जी के लिए, बागेश्वर धाम सरकार के लिए जो पूरा स्टेज उस्टेज लगा हुआ है दोस्तों, वो हम दिखाते हैं चलिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम एक चीज़ दिखाना चाहते हैं दोस्तों कि देखिए एक यहाँ पर भव्य हनुमान जी का प्रतिमा स्थापित किया जा रहा है, मतलब कि बनाया जा रहा है दोस्तों, देख सकते हैं आप। हमको लगता है कि हनुमान जी का ये प्रतिमा लगभग 25 से 30 फीट होगा, नहीं 25 कितना फीट 20 फीट। तो दोस्तों ये 20 फीट के हनुमान जी का प्रतिमा बनाया जा रहा है, तो ये भी आप लोग देख लीजिए, बहुत ही भव्य है। तो दोस्तों जो हनुमान जी आप देख रहे हैं उनका कलाकार यही है भैया जी, और ये सर कितने दिन से लगे हुए हैं इस मूर्ति को बनाने के लिए? 5-6 दिन हो गए। 5-6 दिन हो गया, और ये टेम्पररी है या यहीं पर मतलब रहेंगे? यहीं पर रहेंगे, फिक्स है, फिक्स रहेंगे। और ये कब तक फाइनल हो जाएगा? कल रात तक फाइनल हो जाएगा, परसों कलश यात्रा है। अच्छा यहाँ, अच्छा तो दोस्तों कल तक ये फाइनल हो जाएगा और परसों कलश मतलब कि जलभरी है नहीं? तो उस दिन मतलब कि एक दिन पहले, जलभरी से एक दिन पहले ये कंप्लीट होकर के मतलब कि रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर कार्यक्रम होगा और बागेश्वर धाम सरकार का, और देखिए कितना दूर में दोस्तों ये पंडाल लगा हुआ है दोस्तों, कितना भव्य है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको दोस्तों नज़दीक जा करके, और बाबा का स्टेज भी दिखाऊंगा दोस्तों, जहाँ पर वो प्रवचन करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे। तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में, चलते हैं पंडाल के अंदर। तो फाइनली दोस्तों हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, और देखिए मेरे पीछे जो बड़ा सा मंच बन रहा है दोस्तों, यहीं से बाबा का प्रवचन होगा, यहीं से लोगों का कल्याण होगा दोस्तों। मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए कितना भव्य मंच बन रहा है दोस्तों, और बहुत ही भव्य। देखिए आप यहाँ पर पंडाल भी लगा हुआ है, ये सब सारा सेटअप लगा हुआ है दोस्तों, देख सकते हैं आप मेरे पीछे, बहुत दूर दूर तक लगा हुआ है दोस्तों, आपको दिखा देते हैं। चलिए बाबा का मंच थोड़ा करीब से दिखाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों ये जो पूरा पंडाल लगा हुआ है, एक एक स्लेब देखिए किरान से खड़ा कर करके और इसको बनाया गया है। अभी बहुत दूर तक ये दोस्तों पंडाल जाएगा, देखिए बहुत मतलब कि देख रहे हैं आप, ये किरान, इस किरान से दोस्तों खड़ा किया जा रहा है, आपको मैं दिखा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों ये पूरा एक एक स्लेब को खड़ा करके और मतलब कि
ये पूरा पंडाल बनाया जा रहा है। देखिए ये बहुत दूर तक अभी स्लैप ये सब ढाला मतलब रखा गया है, ये सबको खड़ा किया जाएगा दोस्तों इसी तरह से। किरान जिस तरह से खड़ा कर रहा है इसको इसी तरह से खड़ा करके देखिए वहाँ पर वो सारे कर्मचारी हैं लोग और अपना इस पंडाल को बनाने में लगे हुए हैं। तो देखिए दोस्तों और जेसीबी के ड्राइवर साहब यहाँ पर हैं और लगे हुए हैं, ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, दिन रात लगे हुए हैं इस चीज़ को बनाने के लिए। देखिए आगे पीछे कर रहे हैं, वहाँ पर एक एक फंसाया जाता है दोस्तों किल्ली को। देखिए कैसे कितना मेहनत करते हैं लोग। तो ये देख सकते हैं दोस्तों बहुत सारा कारपेट है और बिछाने के लिए सारा कुछ आया हुआ है। देखिए यहाँ पर इधर भी है, अभी बहुत सारा चीज़ लगने वाला है दोस्तों, तो आप लोग बने रहिए इस वीडियो में क्योंकि अभी बहुत ये लोग दिन रात लगे हुए हैं इस चीज़ को बनाने के लिए, बहुत सारा कर्मचारी इसमें लगे हुए हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों ये लोग मतलब ऊपर फंसा दिए और नीचे आ रहे हैं। देखिए देखिए ये लोग कितना डेंजर वर्क करते हैं दोस्तों, और किरान से ये वाह। देखिए दोस्तों ये स्लेब को फिर से उठाया जा रहा है और धीरे धीरे ऊपर करके देखिए और किस तरह का ये बना देंगे लोग। इधर भी जो पंडाल बना है देखिए देखिए बहुत देखिए इसमें से उस क्लिप को फंसा दिया जाएगा। देखिए देखिए यहाँ पर इस क्लिप को फंसा दिया जाएगा, ये टाइट हो गया देखिए, और उधर भी एक फंस गया। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं आप कितना सारा फैन है दोस्तों, इतना सारा मतलब पंखा है तो ये सब लगाने के लिए इस पंडाल में। तो यहाँ पर अभी सब तैयारी चल रहा है दोस्तों। तो फाइनली दोस्तों यहाँ का हम लोग वीडियो मतलब कंप्लीट बना चुके हैं और आप लोग देख भी किए, और देखिए पूरा पीछे मतलब कि पोस्टर लगा हुआ है बाबा का। और आज का वीडियो दोस्तों यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं, फिर कल मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में। और मैं भगवान से ही प्रार्थना करता हूँ दोस्तों कि आप लोग हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, एक लाइक और एक प्यारा सा कमेंट कर दें दोस्तों। तो फिर कल मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।